वेलकम बच्चों, मैं दुलाचंद दास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ाई करेंगे चैप्टर 4 वर्णों के बोल। इस चैप्टर में कोई कहानी नहीं है, इसमें ग्रामर से संबंधित बातचीत हो रही है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या बातचीत हो रही है। घंटी बज गई, कक्षा में आचार्य जी आए। सभी विद्यार्थियों ने खड़े होकर आदर प्रदान किया। जैसा कि कक्षा में बेल बजते ही शिक्षक हमारे कक्षा में उपस्थित हो जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी घंटी जैसे ही बजी, शिक्षक आचार्य जी आए तो सभी बच्चे खड़े हो गए। आचार्य जी ने स्नेह से सबको बैठने के लिए कहा। आचार्य जी ने सबको बैठने के लिए बोल दिया, सब बैठ गए, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। आचार्य जी ने श्याम पट पर वर्णों को लिखा, वो पढ़ाने के लिए कुछ जो है ब्लैक बोर्ड पर वो लिखते हैं, और फिर वे बातचीत करने लगे। फिर शिक्षक उनसे कुछ पूछ रहे हैं, विद्यार्थी सावधान हो गए। आचार्य जी ने सुरेंद्र से पूछा, वर्ण किसे कहते हैं? और जब टीचर जब लिखना शुरू किए तो बच्चे सतर्क हो गए कि क्या बतलाया जा रहा है, उस पर ध्यान दिए। और एक बच्चा था जिसका नाम सुरेंद्र था, उनसे टीचर पूछ रहे हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो सुरेंद्र बोल रहा है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, जैसे अ ई क च प। सुरेंद्र जो स्टूडेंट है वो बतला रहा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो, और वर्ण अक्षर को ही कहा जाता है। तो कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फिर आचार्य जी हरेंद्र नाम के लड़का से पूछ रहे हैं, हरेंद्र वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो हरेंद्र उसको बतला रहा है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण का उच्चारण बिना किसी मदद या बाधा के होता है, स्वर वर्ण व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। तो हरेंद्र बतला रहा है कि वर्ण दो प्रकार के होता है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर वर्ण वो वर्ण होता है जिसे स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, उसमें किसी की मदद नहीं ली जाती है, वैसे वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। उसका एग्जाम्पल में जैसे स्वर वर्ण है अ आ, हर्षई दुर्गई, हर्षौ दुर्गौ आदि। व्यंजन वर्ण है क च, तो इसमें क में हम लोग देख रहे हैं उसमें अ जुड़ा हुआ है, च में भी अ जुड़ा हुआ है। तो आचार्य जी फिर महेंद्र से पूछते हैं, महेंद्र स्वर वर्ण कितने हैं और कितने प्रकार के हैं? तो इसके आगे क्या जवाब दे रहा है? फिर महेंद्र बोलता है, स्वर वर्ण 11 हैं, इनके 3 प्रकार हैं। स्वर वर्ण 11 है, 11 है और 3 प्रकार के होते हैं। मूल हर्ष स्वर अ ई हर्षौ, मूल हर्ष स्वर अ ई हर्षौ री, मूल दीर्घ स्वर आ दुर्गई दुर्गौ, संयुक्त स्वर ए आई ओ आओ। इस तरह से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। और फिर आचार्य जी पूछते हैं, हर्ष दीर्घ और संयुक्त के अर्थ समझाओ। तो महेंद्र बतलाता है, हर्ष स्वर एक मात्रा होता है, इसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं। उच्चारण में जो अधिक समय लगता है, कि कम समय या अधिक समय जो समय लगता है उसको मात्रा कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर 2 मात्रा का होता है, एक स्वर एक मात्रा का जो समय लेता है वो हर्ष स्वर होता है, और जो 2 मात्रा का समय लेता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको बोलने में हर्ष से दुगना समय लगता है। जैसे कि बतला रहे हैं कि टाइमिंग का दिया हुआ है, इसमें टाइमिंग अधिक लग रहा है दीर्घ स्वर में, और हर्ष स्वर में कम समय लग रहा है। एक ही प्रकार के हर्ष के जोड़ से दीर्घ बनता है, जैसे अ आ, 2 अ को जोड़ दिए तो अ में कर आ हो गया, और 2 हर्षई को जोड़ दिए तो दीर्घई हो गया, और 2 हर्षौ को जोड़ दिए तो दुर्गौ हो गया। इस प्रकार से महेंद्र बतला रहा है। संयुक्त स्वर भी 2 मात्राओं का होता है, पर ये 2 प्रकार के स्वरों के जोड़ से बनते हैं। संयुक्त स्वर जो अंत में दिखाया गया है यहाँ पे, संयुक्त स्वर वो भी 2 प्रकार के स्वरों को जोड़कर बनाया जाता है। संयुक्त स्वर को भी 2 प्रकार के स्वरों को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, य प्लस ई ए हो गया, अ प्लस ए आई हो गया, इस तरह से यहाँ पे दिखलाया जा रहा है। आचार्य जी फिर ज्ञानेंद्र से पूछते हैं, कोई दूसरा स्टूडेंट है उससे पूछ रहे हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने हैं?
इसके कितने प्रकार हैं? तो ज्ञानेंद्र जो स्टूडेंट है वो बतलाता है, व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जैसा कि अभी हम बतलाए थे कि स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाता है और व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है। यहाँ भी ज्ञानेंद्र वही बतला रहा है कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। हर व्यंजन के बोलने में अ की ध्वनि छिपी रहती है, जैसे क का अगर बोलते हैं तो उसमें अ की ध्वनि छुपी रहती है। व्यंजन वर्ण 33 है, 5 नए भी लिए गए हैं। इन 33 व्यंजन वर्णों की 3 मुख्य श्रेणियाँ हैं। टोटल व्यंजन वर्ण 33 है और उसमें 5 नए लिए गए हैं, उसमें से 5 नए हैं और 33 व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब ये तीनों में क्या क्या अलग है, यहाँ पे ये कंठ स्पर्श व्यंजन, ये कंठ तालु मूर्धा दंत और ओस स्थानों से बोले जाते हैं, ये 25 हैं। स्पर्श व्यंजन बोलने में ये सारे उच्चारण स्थान उपयोग होते हैं और इनकी संख्या 25 है। इनके 5 वर्ग हैं, मतलब इसको 5 भागों में बांटा गया है। अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण जीभ तालु दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, इसलिए ये अंतस्थ कहलाते हैं। ये 4 य र ल व, ये 4 लेटर जो है, 4 वर्ण हैं, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यह जीभ तालु दांत ये कहीं भी पूरी तरह से नहीं सटते हैं। और 3 नंबर में उष्म व्यंजन, इसका उच्चारण घर्षण रगड़ से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, इसको बोलने में हमारा जीभ जो है उसमें घर्षण होता है। ये 4 हैं, स तलाबी स मूर्धन सा दंती सा और ह, इस तीनों को हम लोग स ही पढ़ते हैं और लेकिन अलग अलग नाम है। आचार्य जी फिर मृगेंद्र नाम का कोई बच्चा से पूछ रहे हैं कि मृगेंद्र स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों को समझाओ। यहाँ पे स्पर्श व्यंजन में यहाँ पे बताया गया है कि इनके 5 वर्ग होते हैं, तो वही 5 वर्ग आचार्य जी किसी और बच्चे से मृगेंद्र से पूछ रहे हैं। तो मृगेंद्र बतलाता है क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, क वर्ग में क ख अंग तक जो 5 लेटर है वो है, और च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, इसमें चा छा जा छा इयां, और ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, तो ट वर्ग में ट ठ पूरा 5 लेटर होता है और इसके आगे यहाँ पे लेटर थोड़ा साफ नहीं दिख रहे हैं लेकिन मैं पढ़ के बतला रहा हूँ आप समझ जाएंगे। तवर्ग का उच्चारण दंत से होता है, तो तवर्ग में त था उसमें 5 जो लेटर है त था द ध न वो सब आ जाता है, और ये दांत से इसका उच्चारण होता है, मतलब जीभ को दांतों में सटाना पड़ता है। पवर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है, प फ ब भ म, इसका मतलब है कि हम लोगों को ओष्ठ ओठ जो है एक दूसरे से टच करना पड़ता है दोनों ओठ को। आचार्य जी फिर विजेंद्र नाम के बच्चे से पूछ रहे हैं 5 नए व्यंजन कौन कौन है। विजेंद्र बतला रहा है छ त्र ज्ञा ड़ा और ढा, तो ये 5 लेटर जो है ये नए लेटर लिया गया है, 5 नए वर्ण है, ये नए वर्ण है। इनमें 3 संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण मतलब 2 अक्षर मिलके बना हुआ है, तो क और स ये दोनों मिलके छ बना हुआ है, त प्लस र त्रा बना हुआ है, जा और ज्ञा मिलकर ज्ञा बना हुआ है, ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर 2 नए अक्षर ड और ढ बनाए गए हैं। आचार्य जी आगे पूछ रहे हैं कि अनुस्वार विसर्ग अनुनासिक और हल से क्या समझते हो। विजेंद्र बतला रहा है अनुस्वार के उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है, अनुस्वार का जब उच्चारण होता है तो ध्वनि नाक से निकलती है, इसमें भी स्वर की मदद ली जाती है। स्वर वर्ण इसके पहले आता है अतः उच्चारण दीर्घ हो जाता है, तो इसमें इसको बोलने के लिए अनुस्वार को बोलने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है और इसको बोलने में थोड़ा समय अधिक लगता है। जैसे अंगूर कंगन अनुस्वार बिंदु के रूप में वर्ण के ऊपर आता है। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है, जैसे पय पान प्रातः काल, विसर्ग जो है ह की मात्रा लिए हुए रहता है और तत्सम शब्द मतलब संस्कृत जैसे शब्द जो होते हैं उसमें इसका अधिक यूज होता है, अधिक प्रयोग होता है। अनुनासिक के उच्चारण में श्वास का कुछ अंश नाक से और कुछ अंश मुख से निकलता है, अनुनासिक अनुस्वार की तरह ही होता है, इसमें कुछ श्वास नाक से और कुछ मुख मतलब मुंह से निकलता है,
उच्चारण में लघुता, अश्व की स्थिति मतलब कम समय लगता है। इसका उच्चारण चंद्र बिंदु है, जैसे गांव, दांत, आंगन, इस तरह के मात्रा जो लगा हुआ है चंद्र बिंदु, उसको अनुनासिक कहा जाता है। हल व्यंजन वर्ण के नीचे लगी तिरछी रेखा को कहते हैं हल। आप देख रहे हैं ला में यहाँ पे छोटी सी लाइन लगी हुई है, उसको हल कहा जाता है। हल लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का अभाव है। इसमें किसी भी लेटर में हम हल लगाते हैं, इसका मतलब है कि उसमें भी स्वर जुड़ा नहीं है, तो अतः व्यंजन आधा है। जिसमें अगर हल लगाए हैं तो ये आधा इसको माना जाता है। जैसे क सब में हल लगा हुआ है, ये आधा लेटर है। यहाँ पे चैप्टर 4 समाप्त हो जाती है और इसमें इसका अभ्यास दिया हुआ है, इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे इसका प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दिखाता हूँ। चैप्टर 4 वर्णों के बोल, ये उसके प्रश्न उत्तर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, जैसे अ, ई, क, च इत्यादि। मुख्य रूप से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे आ आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, आए, ओ, औ। स्वर वर्ण कितने हैं और कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण 11 हैं। इनके 3 प्रकार हैं, मूल हर्ष स्वर, अ, हर्षई, हर्षऊ, री, मूल दीर्घ स्वर, आ, दुर्गई, दुर्गऊ, मूल संयुक्त स्वर, ए, आए, ओ, औ। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क, प, त, न, ख आदि। क्वेश्चन नंबर 2 में इनका उच्चारण स्थान बताएं। नीचे जो वर्ण दिए हुए हैं ये कहाँ से बोली जाती है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है, यह बतलाने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है क, कंठ, ज, तालू, ठ, मूर्धा, न, दंत, फ, ओष्ठ। यहाँ पे चैप्टर 4 पूरी तरह समाप्त हो जाती है। बच्चों, हमारे इस वीडियो से आपको आपकी पढ़ाई में ज़रा भी मदद मिलता है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं।